नोट डाउन करनी है आज की जानकारी, ताकि हम आज की जानकारी के माध्यम से, जो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को आज अचानक से पैरालिटिक अटैक पड़ रहा है और अचानक से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जा रहा है, आज इस परेशानी से बचा जा सके। सो आई होप आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे सेशन को सुनने के लिए। और आइए बढ़ते हैं, हम सेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, आज अगर आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की महत्वता को समझना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि पैरालिसिस आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आप सभी समझते हैं ये बात कि आज पैरालिसिस कितनी गंभीर समस्या बन चुकी है, और ये गंभीर समस्या को जितना जल्दी हो सके हम सभी को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर एक बार ये परेशानी हो गई तो जीवन भर आपको ये परेशानी से ग्रसित रहना पड़ेगा। अगर एक बार ये परेशानी हो जाती है तो एक अपंग और एक असहाय जीवन आपको जीवन भर जीना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज हम समझें कि कैसे पैरालिसिस को हम सभी आज इस परेशानी से राहत पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा, और वो ये बात है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आज इसके बारे में जोश बिलिंग्स ने कहा है, जाने माने अमेरिकन हास्यकार हैं। उनका कहना है, हेल्थ इज लाइक मनी, वी नेवर हैव ट्रू आइडिया ऑफ इट्स वैल्यू अंटिल वी लूज इट। यानी हमारा स्वास्थ्य हमारे पैसों के समान, रुपयों के समान होता है। इसके वास्तविक मूल्य हमें तब तक समझ नहीं आता है जब तक हम इसको गंवा नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। जब तक हम चल नहीं पाते, तब तक हम समझ नहीं पाते कि चलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और चलना कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है। आप किसी व्हीलचेयर में बैठे व्यक्ति को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वह चलने की कोशिश कर रहा है पर चल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी मांसपेशियां उसका सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो आज हमें समझना होगा कि आज अगर आपकी मांसपेशी अभी आपकी सपोर्ट कर रही है, तो उसको गारंटेड ना ले, वक्त रहते हुए ठीक होने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है सांस लेना आसान है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को जाके देखिए जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और सांस लेने की कोशिश कर रहा है। आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि सांस लेना बहुत डिफिकल्ट काम है। आज अगर आप इजीली सांस ले पा रहे हैं तो वो इसके कारण है, क्योंकि आपकी बॉडी की मांसपेशियां आपका सपोर्ट कर रही हैं। जिस दिन ये सपोर्ट खो जाएगा, उस दिन ये परेशानी और जटिल हो जाएगी। इसीलिए पैरालिसिस को समझने की ज़रूरत है। देखिए, पैरालिसिस होता क्या है? बेसिकली पैरालिसिस का अर्थ होता है कि आपकी बॉडी की कुछ ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री होता है, यानी ऐच्छिक मांसपेशियों को हिलाने डुलाने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। यानी आपकी मांसपेशियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने ये माउस पकड़ा है, तो ये माउस पकड़ने के लिए भी तो मेरा दिमाग ने यहाँ पर काम करा है। ये मैंने ऐच्छिक तरीके से काम करा है, यानी ये मेरा वॉलेंट्री मूवमेंट है। तो अगर आपकी बॉडी की वॉलेंट्री मसल मूवमेंट खो जाए, यानी आपकी ऐच्छिक तरीके से मांसपेशियां हिल डुल ना पाए, तो उस परेशानी को हम पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। अब पैरालिसिस में मुख्यतः ये भी पाया गया है कि आप अपनी मांसपेशियों को हिला डुला नहीं पाते हैं, प्लस आपको उस एरिया में कुछ महसूस नहीं होता है। यानी महसूस होना प्लस आपकी मांसपेशियों का हिलना डुलना, ये सब बंद हो जाता है। पैरालिसिस क्यों हो रहा है, समझना पड़ेगा आज इस बारे में क्यों हो रहा है। क्योंकि इसके पीछे का मुख्य कारण है कि आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है मैम? इसको हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। देखिए, तंत्रिका तंत्र में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क और आपका स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसका पार्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर मौजूद नसें, जिनको हम आम भाषा में नसें कहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इनको हम न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स के नाम से जानते हैं। अब इन न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आपकी बॉडी में हर जगह मौजूद होती हैं, और ये न्यूरॉन और नर्व सेल्स के माध्यम से ही आपकी बॉडी की मांसपेशियां आपके कंट्रोल में रहती हैं। अब आप सभी ने ये देखा होगा कि अगर आप किसी गर्म एरिया पे टच करते हैं तो आप एकदम से अपना हाथ हटा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली आपकी बॉडी में दो प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं जो काम करते हैं। सबसे पहले जब आपने किसी गर्म जगह पर हाथ रखा, तो वहां पर आपकी बॉडी का जो सेंसरी न्यूरॉन है, जो आपको महसूस करवाने में मदद करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो आपकी मांसपेशी से सिग्नल को लेकर आपके ब्रेन तक जाता है, और आपका ब्रेन प्रोसेस करता है कि ये क्या सेंसेशन है, गर्म है, ठंडा है, क्या है। आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कैसे करता है? आपका ब्रेन आपके हाथ को हटाने के लिए रिस्पॉन्स करता है, और उसके लिए वो मोटर नर्व के माध्यम से
आपके ब्रेन से आपके हाथ तक सिग्नल को पहुंचाता है ताकि आप अपने हाथ को हटा सके। तो ये पूरी प्रक्रिया में आपकी नसों ने ही काम करा है। अगर नसें डैमेज हो जाती हैं, मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, सेंसरी न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, तो मोटर न्यूरॉन डैमेज होने के कारण आप अपनी मांसपेशियों को हिला नहीं पाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन डैमेज होने के कारण आपको चीज़ें महसूस होनी बंद हो जाती हैं, और पैरालिसिस में ये दोनों चीज़ें ही डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती हैं। इसीलिए पैरालिसिस की परेशानी में अक्सर हम जो लक्षणों पर बात करने वाले हैं, वो हमें समझना होगा कि ये सभी लक्षण किसी भी व्यक्ति को असहाय बना सकते हैं। कितना जितना हो सके हमें इस परेशानी से बचना होगा। देखिए, पैरालिसिस के कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे पार्शियल पैरालिसिस होता है, कंप्लीट पैरालिसिस होता है, परमानेंट होता है, टेम्प्रेरी होता है। पार्शियल का मतलब होता है आधा, यानी आपकी बॉडी में आधा पैरालिसिस होता है। आधा पैरालिसिस का मतलब है कि आपकी बॉडी की मांसपेशी थोड़ी बहुत कंट्रोल में रहती है, आप थोड़ा बहुत अपनी मांसपेशियों को हिला पाते हैं, कुछ आपको फील होता है थोड़ा बहुत अपने हाथ पैर हाथों में या पैरों में, जहाँ पर भी आपको पैरालिसिस के अटैक आया है, लेकिन आप उनको पूरी क्षमता के साथ हिला नहीं पाते हैं, पूरी क्षमता के अनुसार आप उनको महसूस नहीं कर पाते हैं, और इसी को हम पार्शियल पैरालिसिस कहते हैं। कंप्लीट में क्या होता है कि पूरी तरीके से अगर आपकी बॉडी का मसल कंट्रोल खो जाता है, यानी मांसपेशियों का नियंत्रण अगर पूरी तरीके से खो जाता है, तो उस प्रक्रिया को कंप्लीट पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। अगर आपको अपनी मांसपेशी में कुछ महसूस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी हम कंप्लीट पैरालिसिस के नाम से इसको जानते हैं। इसी प्रकार तीसरा मुख्य है, वो है परमानेंट पैरालिसिस। देखिए, परमानेंट पैरालिसिस का मतलब है कि आप अपनी मांसपेशी का कंट्रोल दोबारा वापस नहीं ले पाते हैं। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाती है, यानी कभी भी आपकी मांसपेशी का नियंत्रण आपके पास नहीं आएगा कभी भी, यानी जीवन भर आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके न्यूरॉन पूरी तरीके से अगर डैमेज हो जाए, तो उसको दोबारा सही नहीं किया जा सकता, और इसीलिए परमानेंट पैरालिसिस को लाइलाज कहा जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर आपको इसी प्रकार से रहना पड़ेगा, और इसीलिए हमें परमानेंट पैरालिसिस से बचना है। इसी प्रकार टेम्पररी पैरालिसिस में आपको कभी कभी पैरालिसिस के अटैक पड़ते रहते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि आपकी मांसपेशियों में कैल्शियम और सोडियम की मात्रा, इसके आयन्स की मात्रा कम होती है। आपकी मांसपेशी को कैल्शियम और सोडियम की जरूरत होती है ताकि आपकी मांसपेशी हिल डुल सके, आपकी मांसपेशी सिकुड़ सके या फिर फैल सके। इसके लिए आपकी मांसपेशियों को कैल्शियम और सोडियम की जरूरत होती है। जब कैल्शियम और सोडियम की बॉडी में या फिर कमी रहे या फिर आपकी मांसपेशी इनको ना ले सके, तो उस वक्त हमें टेम्परेरी पैरालिसिस की परेशानी होती है। सो आई होप ये चारों तरीके की परेशानियों का आपने देखा होगा, और ये परेशानियों को देखते ही हम ये समझ गए हैं कि पैरालिसिस बहुत गंभीर समस्या है। अब इस गंभीर समस्या का कारण क्या है? कारण पर जाएंगे तो सबसे पहला मुख्य परेशानी आज जिसकी वजह से पैरालिसिस हो रहा है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, आपकी आपके रक्त की धमनियां जो रक्त को ब्रेन तक लेके जाती हैं, वो फट जाती हैं, जिसके कारण अंदर का ब्लड बाहर की तरफ निकलने लगता है और ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिसको हम हेमरेज भी कहते हैं। तो आज ब्रेन हेमरेज, यानी आपकी रक्त की धमनियां जब फट जाती हैं, उसके कारण क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन में, इसकी वजह से पैरालिसिस हो रहा है। तो आज ब्रेन स्ट्रोक पाया गया है कि ये एक मुख्य कारण बन चुका है बहुत सारे पैरालिसिस अटैक के व्यक्तियों में। आज इसके कई बढ़ने के कारण हैं। आज क्यों हमें इतने ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं? भारत में इसके पीछे का कारण है सबसे पहला डायबिटीज। अगर लंबे टाइम तक आपको डायबिटीज है, ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ती है। अगर आपको दिल की बीमारी है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तब भी आपके बॉडी में ब्रेन स्ट्रोक पड़ने की परेशानी बढ़ सकती है। इवन हाई बीपी के पेशेंट्स को भी ये ध्यान रखना होगा कि अगर लंबे टाइम तक हाई बीपी के शिकार है, तो ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। इवन मोटापे के शिकार लोगों में भी ये पाया गया है कि ब्रेन स्ट्रोक उनको होने की संभावना ज्यादा होती है। और अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नींद अच्छे से पूरी नहीं करते हैं, शराब आदि का सेवन करते हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज हम इस बात को ध्यान दें कि ब्रेन स्ट्रोक एक गंभीर परेशानी है, और इससे इवन पैरालिसिस तक हो सकता है। अब पैरालिसिस के और भी कई कारण हैं। दूसरा मुख्य कारण है इन्फेक्शन। आपकी बॉडी में कई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है जो पैरालिसिस को जन्म दे सकती है, जैसे पोलियो। पोलियो के साथ साथ एंसीफेलाइटिस, जिसको हम हाथी पाँव कहते हैं, लंबे टाइम तक परेशानी ये पैरालिसिस भी क्रिएट कर सकती है। इसी प्रकार किसी जो कीड़े होते हैं उनके डंक के माध्यम से भी ऐसा होता है कि वो बॉडी के अंदर रह जाते हैं, तो अक्यूट पैरालिसिस बॉडी में होता है। इसके साथ साथ कई ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज हैं
जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपके खुद के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, और इससे जीबीएस जैसी कई प्रकार की परेशानी हो सकती है जिनके कारण आपकी बॉडी में आपकी नसें डैमेज होती हैं। नसों के बाहर पे एक माइलिन शीथ होती है जो आपकी बॉडी में सभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को पास करने में मदद करती है, और ये डैमेज होने के कारण आपको जीबीएस की परेशानी और कई डीमाइलिनेटेड डिजीजेज होती हैं। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में कई प्रकार के न्यूरॉन्स हैं, जैसे मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन डैमेज होने के कारण भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे ALS जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। ये भी लंबे टाइम तक अगर रहता है तो इसकी वजह से भी पैरालिसिस हो जाता है। तो आज ये सभी बीमारियों के कारण भी आपको पैरालिसिस हो रहा है। इसके साथ साथ तीसरा मुख्य कारण है इंजरी। अगर कभी चोट लग जाती है ब्रेन में किसी को एक्सीडेंट की वजह से, या स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग जाती है, तो कई लोगों को पैरालिसिस हो जाता है। सो आई होप ये तीनों कारण आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहला ब्रेन स्ट्रोक, दूसरा इंजरी यानी चोट लगना, और तीसरा मुख्य कारण है इन्फेक्शन। अब देखिए, आज हमें पैरालिसिस के लक्षण को भी जानना होगा, लेकिन आपको स्पेसिफिकली ये बात कहना चाहूंगी कि लक्षणों का वेट ना करें। ये जरूरी नहीं है कि लक्षण आएंगे तभी हम पैरालिसिस पर काम करेंगे, क्योंकि अगर एक बार लक्षण आ गए तो जीवन भर कई लोगों को परेशानी रहती है, उनकी रिकवरी रेट अगर कम रहती है। इसीलिए इस परेशानी को होने नहीं देना है, लेकिन फिर भी लक्षण जानिए इसके, ताकि अगर आपको अपने अंदर या किसी के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को जाके संपर्क करें। इसके लक्षण है जैसे आपकी मांसपेशी अगर कोई हिलनी डुलनी बंद हो गई है, उसका मूवमेंट कंट्रोल आपके बाहर से हो रहा है, तो आप एक बार जरूर जाके चेक करवा लीजिए। इसके साथ साथ आपकी मांसपेशी अगर बहुत कमजोर होती जा रही है, या फिर आपकी बॉडी में आपको ये महसूस हो रहा है कि पूरी बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, जैसे कोई चींटी अंदर से चल रही है और आपको काट रही है, अगर आपको ये महसूस हो रहा है अपनी बॉडी में कि आपकी बॉडी का किसी एरिया में आपको चीजें महसूस होनी बंद हो गई है, आपका वहां पर सुन्न हो रखा है, नंबनेस आ रही है, तो आप एक बार डॉक्टर को जाके संपर्क करिए। इसी प्रकार ये भी पाया गया है कि अगर आपकी पैरालिसिस की परेशानी में आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और इसके साथ साथ निगलने में दिक्कत होती है खाने को, तो आप एक बार डॉक्टर से संपर्क करिए। तो ये सभी प्रकार के लक्षण पैरालिसिस के हैं। अब हमें जानना है कि पैरालिसिस का इलाज कैसे किया जाता है और कैसे इसका डायग्नोसिस होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट आपके करेंगे? सबसे पहले MRI किया जाएगा, जिसमें आपकी ब्रेन की स्थिति को चेक किया जाएगा, CT स्कैन किया जाएगा, इसके साथ साथ आपके पूरे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होंगे। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट में एक EMG नाम का टेस्ट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमायोग्राम कहते हैं, जिसमें आपकी बॉडी को बाहरी तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस पास किए जाते हैं, और ये चेक किया जाता है कि आपकी मांसपेशी आपके नियंत्रण में है कि नहीं है। तो ये कई प्रकार के एक और टेस्ट होता है जिसमें लंबर पंचर किया जाता है, जिसको CSF के नाम से जानते हैं। तो ये सभी प्रकार के टेस्ट को किया जाता है और पता किया जाता है कि आपको पैरालिसिस है कि नहीं है, और अगर है तो क्या कारण है। तो आज आई होप आप सभी ने ये सभी बात समझी होगी, जांच करने का तरीका क्या है, लक्षण क्या है पैरालिसिस, कारण क्या है। अब आइए बात करते हैं इसके समाधान पर। हम सभी चाहते हैं कि पैरालिसिस हमें कभी ना हो। ये असहाय बीमारी अगर एक बार हो गई तो आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार का जीवन जीना पड़ेगा, और स्पेशली अगर ये परेशानी 30 से लेकर 50 की उम्र के बीच में हो गई तो हम अपने जीवन भर की पूंजी भी नहीं कमा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम 30 से लेकर 50 की उम्र के बीच में तो इसको कभी ना होने दें। उसके लिए बचाव पर काम करना होगा। आपको आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि भारत में पैरालिसिस के केसेस 50% की दर के साथ हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और मैक्सिमम ये पैरालिटिक अटैक 30 से लेकर 50 के लोगों के बीच में ही आ रहा है। इसीलिए आज हमें लाइफस्टाइल प्लान को फॉलो करना होगा ताकि हम इस परेशानी से बच सकें। सबसे पहला बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट पर ध्यान देना है। दूसरा है एक्सरसाइज करनी है, और तीसरा है कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लेने की ज़रूरत है जो आपके नर्व हेल्थ को बेहतर बनाए। सबसे पहले बैलेंस डाइट में आपको ये फूड पिरामिड फॉलो करना है, जिसमें निचले स्तर पर आपको फल सब्जी या दालें दिखाई दे रही है, ऊपरी लेवल पर आपको अनाज दिखाई दे रहा है, तो अनाज का इस्तेमाल करना है। स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की जगह आप मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए, क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसी प्रकार इसके ऊपरी स्तर पर आपको पशुओं से मिलने वाले आहार जैसे कि मीट मच्छी ये सभी चीज़ें मिलती हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन कम मात्रा में करना है। और सबसे ऊपरी स्तर पर आपको हेल्दी फैट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हमें करना है, लेकिन आपको न्यूनतम मात्रा में और एक नियंत्रित मात्रा में करना है, यानी 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम ऑयल और फैट आपको डेली ज़रूरत है इसकी। इसी प्रकार आपको एक ध्यान देना है कि कुछ खाने की चीज़ें हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स हैं मिनरल्स हैं जिसकी ज़रूरत आपको होती है अपनी नर्व हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है, उसका नाम है Omega-3 Fatty Acids। Omega-3 Fatty Acids आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली आपके बॉडी में सूजन को कम करने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये पाया गया है कि ब्रेन में सूजन, धमनियों में सूजन और इवन स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आपकी नसों को डैमेज कर सकता है।
इसीलिए आज ओमेगा थ्री की आपको जरूरत है डेली बेसिस पे। लेकिन ओमेगा थ्री तो बॉडी में बनता नहीं है, आपको खुद खाने के माध्यम से लेना होगा। कैसे ले सकते हैं, या फिर आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज ओमेगा थ्री है वो ले, या फिर आप ओमेगा थ्री की ज़रूरत के लिए मच्छी खा सकते हैं, अलसी के बीज खा सकते हैं। अलसी के बीज डेली आपको अगर सुखाएं और उनको रोस्ट करके उनका पाउडर बनाकर 1 चम्मच अलसी के बीज का पाउडर आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा मुख्य खाने का पदार्थ है प्रोटीन। प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इवन आपकी नसों को डैमेज से बचाने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। हम बात करेंगे कि कैसे लीन प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा मुख्य चीज़ है और वो है विटामिन्स। विटामिन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली विटामिन बी और विटामिन डी। विटामिन बी और विटामिन डी अगर आपने एक बार अपना जांच नहीं करवाई है, स्पेशली विटामिन B12 की जांच नहीं करवाई है, तो जांच करवाइए ज़रूर। विटामिन B12 और विटामिन डी की जांच करवाइए और पता करिए कि इनकी मात्रा कितनी है आपकी बॉडी में, क्योंकि आज विटामिन B12 की कमी के कारण आपका नर्व हेल्थ खराब होता जा रहा है। विटामिन B12 आपकी नर्व्स के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि आपके नर्व्स के बाहर एक माइलिन शीथ होती है जो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से भी पैरालिसिस होता है। तो इन माइलिन शीथ को दोबारा बनाने के लिए B12 की ज़रूरत होती है बॉडी को, और B12 की कमी आज मुख्यतः लोगों के अंदर पाई जा रही है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक बार B12 का लेवल चेक करवाइए और उसके अनुसार अगर बहुत लो है मात्रा तो आप डॉक्टर के अनुसार सप्लीमेंट के साथ साथ खाने के ये पदार्थ है जो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन B12 मिलता है। वेजिटेरियंस के लिए पनीर खाना है, उनको हरी पत्तेदार सब्जी खानी है, इवन बादाम खाना है, मशरूम खाना है डेली, और बनाना यानी केला आप खा सकते हैं। इसी प्रकार विटामिन B12 आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है एनिमल बेस्ड सोर्स में, यानी आपको मीट में अच्छा मिलता है, चिकन में मिलता है, मच्छी में अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल तड़का लगाकर और इसमें अच्छे खासे तरीके से मिर्च मसाला डाल के बनाएंगे तो ये B12 ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अगर आप बॉयल करके बनाएंगे इन सब चीज़ों को और इनका सूप लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बॉडी में B12 की मात्रा को पूरा करता है। अब देखिए, आज हमें ज़रूरत है एक और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जो हमें पैरालिसिस की परेशानी से बचाव करने में और इसका इलाज करने में आज हमारी मदद कर रहा है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, क्या है गामा ओरिजिनॉल? भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफ़ेद कलर का पाउडर है, और इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये राइस ब्रैन ऑयल से निकला हुआ एक बेहतरीन माइक्रो न्यूट्रेंट है जो इसके अंदर मौजूद होता है, और आज विश्व स्तर पर इसका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरुआत जापान से हुई थी, लेकिन आज धीरे धीरे करके बड़े बड़े देश और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ आज इसका इस्तेमाल कर रही हैं। गामा ओरिजिनॉल बेसिकली एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। आज इसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ के ऊपर हम बात नहीं करते हुए केवल इसके एक लाभ पर बात करने वाले हैं, और वो है कि इसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी पाई गई है, यानी आपकी नसों को डैमेज से बचाता है। कैसे बचाता है? पैरालिसिस से कैसे आपकी रक्षा करता है? क्योंकि आज इसके अंदर पावर पैक 3 प्रॉपर्टीज पाई गई हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट पाए गए हैं, यानी आपको आपकी नसों को डैमेज से बचाने में आपकी मदद करता है। इसी प्रकार दूसरा मुख्य प्रॉपर्टी इसके अंदर मिलती है कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स को निष्क्रिय करता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो नसों में डैमेज हो रहा है वो तीसरा मुख्य कारण है सूजन की वजह से, तो सूजन को कम करने में मदद करता है। और ये पाया जाता है कि हमारी बॉडी में पावर पैक तरीके से 3 प्रॉपर्टीज के माध्यम से हमारी नसों को डैमेज से बचाता है, क्योंकि हमारी नसों में और ब्रेन में सबसे ज्यादा डैमेज जो हो रहा है वो ऑक्सीडेटिव डैमेज और इन्फ्लामेशन यानी सूजन की वजह से ही हो रहा है। तो इन दोनों को कम करने में गामा मदद कर रहा है। आज ये भी पाया जा रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से कि कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियों पर गामा काम करता है, जैसे रैट्स पर, चूहों पर, जब पार्किंसन की परेशानी जिनको थी, जिनको रोटेनॉन नाम का एक न्यूरोटॉक्सिन है जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, तो उनको गामा दिया गया तो पार्किंसन की परेशानी से उन्होंने राहत पाई। इसी प्रकार गामा ओरिजिनॉल इवन डिप्रेशन हो गया, या फिर हम मैंगनीज के कारण जो टॉक्सिसिटी बॉडी में होती है, डैमेज होता है, उसको कम करने में मदद करा है। सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन के पेशेंट्स में स्ट्रोक की परेशानी से राहत पाई है, उनको चिंता तनाव कम करा है। इसके साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर ब्रेन में सूजन, डोपामिन के लेवल को रेगुलेट करने, ये सभी गामा ओरिजिनॉल कर सकता है। और इवन डेनेक्सीड की इंजेक्शन के साथ जब गामा ओरिजिनॉल दिया गया तो ये पाया गया कि सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन के व्यक्तियों को बहुत अच्छे से राहत मिली है। इसके साथ साथ एंजाइटी है, बिहेवियरल एंजाइटी, उसको कम करा है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शंस को कम करा है। इवन चाइना में एक ऐसा पेटेंटेड इंजेक्शन है जिसको अगर ऐसे लोगों को दिया जाए जिनको न्यूरोलॉजिकल परेशानियां हैं या फिर पैलेटिक अटैक पड़ा है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये अगर उन्हें दे दिया जाए
तो उनका पैलेटिक अटैक रिवर्स हो जाता है, वो डैमेज रिवर्स हो जाता है, और ये इंजेक्शन के अंदर गामा ओरिजिनॉल ही है। तो हमने ये जाना कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गामा का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, बेसिकली आज पैलेसिस की परेशानी से राहत दिलाने के लिए, और इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसकी 2 गोली प्रतिदिन दें, एक गोली सुबह एक गोली शाम, अगर आप बचाव करना चाहते हैं। और अगर इलाज करना चाहते हैं तो इसकी डेली 6 गोली की डोजेस लेनी है। हम डाइट चार्ट पर भी बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं कुछ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी जहां पर बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस की परेशानी से राहत मिली है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो ये टेस्टिमोनियल्स को आपको जरूर ध्यान से देखना है, और फिर आगे हम डाइट चार्ट पर बात करने वाले हैं। 2021 को मुझे पैरालाइज का अटैक हुआ था। मैं तब से गामा ओरिजिनल लेने के लिए शुरुआत की और अब मैं खुद बाइक चला रहा हूँ। हमको 1.5 साल से पैरालिसिस है, कोई ना उछ उठ पाते थे ना बैठ पाते थे, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद हमको बहुत फर्क पड़ा सर। एक तो व्यक्ति राजेंद्र यादव था, उनका जो है लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया था और वो घर पे बैठे हुए थे, और मैं वहाँ गया, उनको एडवाइस किया कि आप ये गामा ओरिजिनल लो। लगातार 3 महीने लेने के बाद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, और 6 महीना लगातार लेने के बाद वो व्यक्ति आज उठकर चल रहा है और बहुत ही फिट है, सारे काम वो खुद कर रहे हैं। 2.5 साल से ऐसे बड़े बिस्तर पे, इससे हमको फायदा हुआ है, हाथ पैर उठने लगे, चलने लगे। हमारे बगल में पड़ोसी जो है, उनका एक मैडम है, उनका सडन पैरालाइज अटैक हुआ था। तुरंत उसको गामा ओरिजिनल खिलाने से ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उनको जो है चलने फिरने के लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ। अपने गांव में एक लकवा पेशेंट था 22 साल का, मैंने उसको लगातार 3 महीने से अभी दवाई देना चालू किया हूँ, जो कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। आज वो डंटा के बदौलत तो उठ फिर रहा है और चल फिर के अपने अपने आप वो लेटरिन और बाथरूम के लिए जा सकता है। एक लकवा पेशेंट के मैंने करीब 2 साल से बेड पर पड़ा हुआ था, जिसका मैंने गामा ओरिजिनल दिया, उसका 3 महीना में रिजल्ट हुआ, वो खुद अपने आप से वो चल कर चलने लगा। अभी 10 एक दिन पहले मेरे हस्बैंड को हल्की सी लकवे की शिकायत हो गई थी, तो उसमें मैंने बाहर की कोई भी दवाई ना दिलवा कर 1 वीक से गामा ओरिजिनल की 2 टेबलेट खाली पेट ले रहे हैं और पूरा पूरा आराम है उसमें। मैंने एक अंकल ने उनको दिया था, तो उनको पैरालाइज अटैक आया हुआ था, तो उनको मेरे गामा ओरिजिनल टेबलेट जो दिया था, मात्र 1 महीने में चल भी नहीं पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे, तो उनको कॉल आया, दीदी आपने मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है कि मैं चल भी पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ। सो आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखा होगा, और यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपनी खुशी के साथ इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि पैलेसिस की परेशानी से गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से उन्हें राहत मिली है। देखिए, अक्सर हम एक गलती करते हैं कि पैलेसिस के पेशेंट्स को बहुत सादा खाना देते हैं, और इसी वजह से जब उनकी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो उनका वेट लॉस और ज़्यादा हो जाता है। तो आज हमें एक डाइट चार्ट पर बिल्कुल ध्यान देना है, उनको प्रॉपर डाइट देनी है। प्रॉपर डाइट का मतलब है कि आपको उनको हाई प्रोटीन डाइट की देनी है। हाई प्रोटीन डाइट कैसे दे सकते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग में आप उनको 1 ग्लास गुनगुना पानी और इसके साथ 1 चम्मच राइस ब्रैन ऑयल दीजिए। ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहले आप गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल दे दीजिए नॉर्मल पानी के साथ, और इसके साथ साथ आपको उन्हें ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ें देनी है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। जैसे अगर वो अंडा खाते हैं तो 2 अंडे दीजिए, 2 अंडे में अंदर का जो पीला वाला हिस्सा है वो नहीं देना है, केवल व्हाइट वाला हिस्सा देना है। इसके साथ साथ आप वेजिटेबल दलिया, उपमा, इडली या मूंग दाल का चीला दे सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इवन आप 1 ग्लास दूध और उसमें 1 चम्मच न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट मिला के भी दे सकते हैं, वेजिटेबल चीला बना के दे सकते हैं, ओट्स का चिल्ला बना के दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, इवन उनको स्प्राउट भी दिया जा सकता है फ्री टाइम में।
ताकि वो स्प्राउट्स का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल ज़रूरत, प्रोटीन की ज़रूरत पूरी कर सकें। इसी प्रकार मिड मॉर्निंग का जो वक्त है, मिड मॉर्निंग के वक्त में आपको देखिए ये बात ध्यान में रखनी है, जो पैलेसिस के पेशेंट है वो एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खा पाते हैं, और इसीलिए उनको छोटी छोटी डाइट आपको पूरे दिन भर में देनी होगी। कम से कम एक दिन में 5 से लेकर 6 बार डाइट देनी है। तो मिड मॉर्निंग का जो वक्त है उसमें उनको आपको कोई भी फ्रूट देना है, जैसे आप उन्हें पपीता काट के दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, इवन आप उनको ड्राई फ्रूट साथ में दे सकते हैं, जैसे अखरोट है या फिर बादाम है, और साथ में आप उनको कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं। तो पैरालिसिस के पेशेंट को कम से कम एक दिन में एक बार उनको नारियल पानी देना है, क्योंकि इसके माध्यम से बॉडी रिहाइड्रेट रहती है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में पोटेशियम की नीड को ये पूरा करता है। लंच में ध्यान देना है कि गामा की पहले 2 गोली देनी है, और फिर उसके बाद आप उन्हें खाना खिला सकते हैं, जैसे मिक्स ग्रेन की रोटी, दाल चावल, घर पर बनी दाल चावल हो गई, या फिर सब्जी हो गई, खिचड़ी, या फिर सैलड भी आप साथ में दीजिए। तो ये सभी चीज़ें आप उन्हें लंच में दे सकते हैं। इवनिंग का जो वक्त है, जैसे वो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के आधे घंटे पहले उनको 1 ग्लास अच्छे से पानी पिला दीजिए, फिर एक्सरसाइज करने के आधे घंटे बाद या फिर 20 मिनट बाद आप उनको कोई भी पेय पदार्थ दे सकते हैं, जैसे हर्बल टी, ग्रीन टी, या फिर आप उनको पाइनएप्पल जूस है, या फिर कोई भी जूस दे सकते हैं, इवन नारियल पानी भी दिया जा सकता है। अब रात्रि का जो भोजन है, रात्रि के भोजन में आपको उनको पहले तो गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल देनी है नॉर्मल पानी के साथ, और रात्रि के भोजन को लाइट रखना है, लेकिन उनको प्रोटीन देना है रात में। तो आप उनको गाढ़ी दाल बना के दीजिए, या फिर वेज सोया सूप बना दीजिए, या फिर वेजिटेबल सूप में आप पनीर के पीसेस डाल के दीजिए। तो ये सभी चीज़ें हम दे सकते हैं ताकि उनकी बॉडी की न्यूट्रिशनल ज़रूरत पूरी हो सके। अगर दूध आप उनको एक दिन में 2 बार दें तो सबसे बेस्ट है, सुबह भी दे दीजिए ब्रेकफास्ट में, रात्रि के भोजन के बाद आप उनको दूध दे सकते हैं न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट के साथ। सो, हमने ये जाना कि क्या क्या चीज़ें उनको देनी है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं खिलानी है, जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, जैसे घी है, या फिर मक्खन है, मलाई है, दही है, ये सब नहीं देना है। इवन खट्टे पदार्थ उनको नहीं देने हैं, जैसे नींबू है या फिर टमाटर, ये सभी चीज़ें नहीं देने हैं। बाहर के जितने पदार्थ हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बेकरी के पदार्थ है, प्रोसेस फूड है, या फिर पैकेज फूड है, ये सभी नहीं देने हैं। उनके तेल ऐसा होना चाहिए जिसमें ट्रांसफैट ना हो, और ट्रांसफैट फ्री फूड है आपका हेल्थ गार्ड। हेल्थ गार्ड तेल का इस्तेमाल करके उनको, उनकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानियों से बचाया जा सकता है। और इसी प्रकार एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है कि आप एक्सरसाइज करवाएं उनको, उनको फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से ही एक्सरसाइज करवानी है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी बॉडी की क्षमता जो नॉर्मल लेवल पर आ सकती है वो आ पाएगी। तो एक्सरसाइज करवानी है, योगा के माध्यम से उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ठीक करनी है, और धीरे धीरे करके वो एक नॉर्मल जीवन में वापस आ जाएंगे। कम से कम एक दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी है, 1 बार फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, और 1 बार जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको एक्सरसाइज करवाएं। सो, ये सभी रूटीन सजेस्ट आपको किया जाता है ताकि आप पैरालिसिस की परेशानी से राहत पा सकें। और अगर बचाव करना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों को अपना लीजिए। बैलेंस डाइट का अपनाना है, दूसरा एक्सरसाइज करनी है, तीसरा है कि स्मोकिंग जैसे कई पदार्थ हैं उनको क्विट कर दीजिए, और इसके साथ साथ अपने वेट को मेंटेन करके रखिए, और रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए, कोलेस्ट्रॉल कितना है, बीपी कितना है, शुगर कितना है, और विटामिन B12, इन सभी के लेवल को चेक करिए। तो आज इसके माध्यम से आप पैरालिसिस की परेशानी से राहत भी पा सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं। सो, आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारी जानकारी मिली है। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, और टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, माफ़ी मांगना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको डिलीवर करना चाहती थी। एंड ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, इतना बेहतरीन ढंग से पैरालिसिस के बारे में बताए, गजब, यानी सैल्यूट है। अगर जितने पोर्टल पे लोग आज 1300-1400 लोग जो जुड़े हुए हैं, ये 1300-1400 लोग अगर इस पोर्टल को सही ढंग से अगर सुने होंगे तो ये गामा ओरिजिनोल अगर स्वस्थ है तो नहीं छोड़ेंगे, प्रतिदिन जो है सुबह शाम लेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर अनुभव हो रही होगी तो 3 टाइम लेंगे, अगर हो चुकी होगी तो 6 गोली पर डे लेंगे। ये तो एकदम पक्का हो गया, और ये लेना ही लेना है, क्योंकि अपने को स्वस्थ रखना है, अपने आप को, अपने परिवार को, तो इसको तो है छोड़ना ही नहीं, जीवन का एक अंग बनाना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।